चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ओ भाई कौन है? वे कौन बोल रहे हैं? वे तो मैंने बोला ही नहीं है भाई, मैं तो हेलो बोल रहा हूँ। हेलो कौन? नबील। हाँ मैं नबील, और कौन? वो यार नबील, हम शेर खान बोल रहे हैं। अरे शेर खान, लाले की जान, कैसे? वो यार हम बिल्कुल ठीक है नबील भाई। हाँ साहब, इस बार मैंने सुना है कि आप शदीद गर्मियों में हमें ड्राई फ्रूट की बोरियां भेज रहे हैं। वो नहीं यार, हम थे इधर जरा मुसीबत में, हम तुमको उधर आकर बताएगा। क्या? हाँ वैसे तुम लोग घर पर ही है ना? हेलो हेलो शेर खान, शेर खान आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो 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 हेलो। अरे ये शेर खान का फोन क्यों आ रहा है? मेमो साहब, मेमो साहब, फोन उठाइएगा मत। इन्होंने तो फोन उठाया है पुत्र। अरे मोमो, फोन मेरा ही है, शेर खान की कॉल आ रही है ना। तो शेर खान की कॉल इस पर क्यों आ रही है? उसने अपना नंबर बंद किया हुआ है क्या? अरे महमूद साहब, अभी शेर खान की घर वाले नंबर पर भी कॉल आ रही थी, फिर मैंने गलती से फोन उठा लिया। क्या कह रहा था वो? वो हमारे घर आ रहा है यार। क्या? ओ यार, ये आदमी जब भी हमारे घर आता है कोई ना कोई मुसीबत साथ लेके आता है। अब क्या करेंगे नबील, वो तो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगा। एक काम करते हैं महमूद साहब। क्या? हम लोग घर को लॉक करके ना कहीं बाहर चलते। अरे भाई हम कहाँ जाएंगे, हमें तो मोहल्ले वाले स्वयं पे भी नहीं बुलाते, मुँह ही नहीं लगाता है कोई, किसके यहाँ जाएंगे? कोई नहीं यार, हम चिड़िया घर चले जाते हैं, शेर से तो जान छूटेगी ना। क्यों पुत्र, चिड़िया घर में शेर नहीं है क्या? ओ माँ जी, मैं शेर खान की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये अली इमरान की ठंडी जुगत थी। अच्छा चलो नबील, लॉक करके कहीं चलते हैं। आप लोगों में जरा भी वो नहीं है। वो क्या? वही जो सिर में होती है। वही जो दिमाग में होती है। ओ माँ जी, दिमाग में क्या होती है? नहीं वो जो अक्लमंद लोगों के पास होती है ना। हाँ हाँ, अकल अकल, आप लोगों में जरा भी अकल नहीं है। ओ माँ जी साफ साफ बोले, आप कहना क्या चाह रही है? और जब घर में लॉक ही लगाना है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? बाहर से दरवाजे को लॉक लगाओ तो घर में आराम से बैठो। माँ जी क्या हुआ पुत्र, आइडा पसंद नहीं आया? ओ माँ जी आपने तो कमाल ही कर दिया है। वो जो मैंने किया है वो कमाल है। हाँ जी। ओ शमशी। ओ यार महमूद साहब, दरवाजा बाहर से लॉक करे ना। अरे भाई तो मैं कैसे अंदर आऊंगा? नहीं तो आप अंदर ही तो हैं। अरे मोमो, मैं घर के बाहर लॉक लगा के अंदर कैसे आऊंगा भाई? लॉक खोल के अंदर आ जाइएगा। अरे लॉक ही तो नहीं खोलना मोमो। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, इतने सुन क्यों हो गए आप? वो जो पिछला दरवाजा नहीं है किचन वाला, वहां से आ जाइएगा ना यार। हाँ ये ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जानू महमूद साहब ना ये वाला दरवाजा जो है ना बाहर से लॉक कर रहे हैं। क्यों? जानू शेर खान आ रहा है। क्या? जानू हमने ये सोचा है कि ना हम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं, शेर खान आएगा बाहर से बेले बजाता रहेगा बुझाता रहेगा और खुद ही वापस चला जाएगा। कैसा? अगर वो फिर भी ना गया तो? क्यों नहीं जाएगा जानू, और जब तक वो जाएगा नहीं हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ओ हमने कौन सा जॉब पे जाना होता है भाई? ये चीज मेरे अजीज। ओ यार महमूद साहब जल्दी से लॉक लगाएं। वो जो मुझे जल्दी लगाना है वो लॉक है। हाँ जी वैश्य वैश्य। तुमने कमाल का आइडिया दिया है। नहीं जी कमाल का नहीं, मेरा अपना आइडिया है भाई, जिसका भी है आइडिया तो बहुत अच्छा था। अरे माँ किसकी है, लगता है शेर खान आ गया, अब मजा आएगा। बेल बजाता रहेगा, हम दरवाजा ही नहीं खोले। ओए महमूद, ओए दरवाजा खोलो। ओए नबील, ओए यार मैं शेर खान है, खोलो यार। महमूद साहब एक काम करें, अपने अपने फोन साइलेंट पे करें यार। नबील अगर तुम फोन नहीं उठाओगे तो शेर खान को शक हो जाएगा। फिर क्या करे जानू? फोन उठा कर बोल दो हम घर पे नहीं है। ये ठीक है। शेर खान भाई हम घर पर नहीं है। मोमो तुम्हें शेर खान का फोन आया था? नहीं मैं तो बस एम ही प्रैक्टिस कर रही थी। ओह शेर खान। हेलो। ओ यार नबील, हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा यार, ये दरवाजे तो बंद है।
और तुम लोग किधर यार? शेर खान, हम लोगों को ना इमरजेंसी में निकलना पड़ा है। खूबसूरत के पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। What? हाँ यार, वहाँ 3-4 दिन तो हमें लग जाएंगे लाहौर में। और यार अब फिर हमको बताओ कि हम क्या करें? तुम एक काम करो शेर खान, तुम वापसी की ट्रेन पकड़ो यार, और क्या करोगे? अच्छा चलो यार, ठीक है। शेर खान गया महमूद साहब। अरे वाह नबील, अरे ये तो बड़ा आसान तरीका है मेहमानों को कटाने का। हाँ महमूद साहब, अब माँ जी का कोई भी रिश्तेदार आएगा ना तो हम यही करेंगे। क्या शेर खान गया नहीं? मुझे लगता है कोई और आया है। चलो मैं देखता हूँ। अबे कहो सब चल के देखो। चलो सब बाहर तो बहुत ही पोपट सी बच्ची है। क्या? कौन बच्ची? पता नहीं जानू, मेरा ख्याल पड़ोस में जो नई फैमिली आई ना उनकी लड़की लग रही है। अरे नबील, तो उसको अंदर बुलाओ ना। कोई जरूरत नहीं है उसे अंदर बुलाने की। अरे खूबसूरत, कैसी बातें कर रही हो भाई? हमारे हमसाए हैं, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अच्छा जानू, बात बिल्कुल सही महमूद साहब ने जिंदगी में पहली बार की है। अगर हमसायों काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा जानू, सोचो। हेलो जी, मैं नबील हूँ। आप किधर है? जी मैं अंदर हूँ। लेकिन बाहर तो दरवाजा बंद है, आपका घर वाला क्या घर के अंदर बंद करके गया? हाँ जी, मैं कौन सा कोई काटता हूँ। एक्चुअली वो ना मोहल्ले के बच्चे जो है ना वो शरारत करके गए हैं। तो अब मैं अंदर कैसे आऊंगी? अरे आप परेशान क्यों हो रही है? वो कॉरिडोर से आए, पिछले वाले कॉरिडोर से, वहाँ ना किचन का दरवाजा है, वहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए आप। अच्छा ठीक है। अरे शेर खान तुम, यार तुमने घर को बाहर से लॉक किया हुआ था ताकि आप घर के अंदर ना आ सके। अरे नहीं शेर खान, वो आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है ना, इसीलिए हमने लॉक लगा के रखा हुआ था। मैं हूँ सर, ये लड़की कौन है यार? शेर खान, तेरी बेटी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। वह खाना खराब, ये हमारा बेटी नहीं है, भतीजी है। वह नहीं भांजी, और ये हमारा होने वाला बीवी है। क्या? खुदा का खौफ करे खान साहब, ये लड़की तो आपकी बेटी के बराबर है। और यार ये हमारा बेटी के बराबर कैसे हो सकता है? हमारा तो कोई बेटी नहीं है। और तू दुनिया में सिर्फ शादियां करने आए और कोई होर कम भी काट दिया कर हट हराम। यार महमूद, इन लोगों को बोलो ऐसी बात नहीं करें। गुलाब पहली बहुत परेशान है। गुलाब? हाँ, ये हमारा होने वाला बीवी गुलाब जान, अभी इसको प्यार से गुलाबो बोलते हैं। यार तू इसे लेकर यहाँ क्यों आ गया? अभी से यहाँ पे शादी मनाने के लिए आए। क्यों, पिशावर में आपको कोई काजी नहीं मिल रहा था क्या? पिशावर में हालात बहुत खराब है, मस्जिद में बम फट रहे, कोर्ट में फायरिंग हो रहा है, हालात बहुत खराब है, बिल्कुल जंग का सा माहौल है। और तुझे मौत क्या पड़ी थी इस जंग के आलम में शादी करने की है? वो हम आराम से बैठ के बताएगा। खूबसूरत बाजी, बाजी हाँ बाजी, तुम जरा गुलाबों को अपने कमरे में ले जाके थोड़ा रेस्ट मेस करो। हाँ चलो जाओ। आओ गुलाबो चलते। ओए बात सुनो खबीस, तुमको नहीं बोला। हाँ बाजी, आप इसको लेके जाओ, जाओ। यार खान साहब, मुझे एक बात बताए, आपको इस गरीब पे तरस नहीं आता? ओए उस पर तरस आया है तभी तो उससे शादी कर रहे हैं। वैसे तुमको तो पता है हमारी सारी पिछली बीवियां हमको छोड़ कर चली गई। अरे छोड़ के कहाँ गई थी, आदियों को तो तुमने खुद मारा था। और यार अब फिर छोड़ कर तो चली गई ना यार। और तुमको तो पता है हमको अकेलापन कितना तंग करते हैं यार। ओ बस कर दे खान साहब, ये प्रोग्राम बच्चे देखते हैं, बल्कि बच्चे ही देखते हैं। और यार तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हम भी तो शादी कर रहे हैं यार। और तो भाई यहाँ आके क्यों कर रहे हैं? भाभी पिशावर में हमारा कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि हम इधर आके अपनों में शादी करें। अब देखो तुम लोग तो सब हमारा अपना है ना, अब तुम हमारा शादी भी कराएगा और जितना तैयारी मयारी है वो भी तुम ही लोग कराएगा। भाई हम क्यों करेंगे? और यार हम तुम लोगों को पैसा देगा
और तुम जितना बोलेगे उतना देगा। बस तुमने अपना भेड़ की तरह गुलाबों को रुखसत करना है यार। अगर भेड़ की तरह रुखसती करवानी है ना खान साहब, तो फिर महमूद साहब को कहें। वो खबीस, तुम्हारा हमारी इस बीवी पर भी नजर है, तुमको वाकई जान से मार देगा। वो कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब, मेरी क्यों नजर होगी भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना। हाँ तो चलो फिर इस बड़ा भाई की शादी में दिखा रहा हूँ। खान साहब चले पैसे तो निकाले ना गरम गरम। और निकाले यार। एक बात तो बताओ गुलाबो। पूछो बाजी, ये शेर खान तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा है ना? नहीं बाजी नहीं, हम शेर खान से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। अरे वो तुम्हारी बाप की उम्र का है गुलाबो? नहीं छोटा है। तुम्हारे बाप से छोटा है? नहीं नहीं, हमारा बाप शेर खान से छोटा है। क्या? हाँ। फिर भी तुम उससे शादी कैसे कर रही हो? हमारे उधर बुजुर्गों में शादी होता है, बुजुर्ग लोग नखरे उठाता है इस वास्ते। ओह गॉड, ये तुम अपने साथ क्या कर रही हो गुलाबो? अरे छोड़ो बाजी, हमको कंफ्यूज मत करो। हमारे शेरखान के काने का टाइम हो गया, अभी उसको हमने अपने हाथों से काना खिलाना है। पिशावर से उसके वास्ते काना बना के लाए हैं हम। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है नबील? ये शेर खान जैसे लोग होते हैं जो मासूम और भोली भाली लड़कियों को बरगला कर उनसे शादी कर लेते हैं, और मेरे जैसे खूबरू नौजवान ऐसे वेले फिरते रहते हैं। Shut up, नबील। Not okay, जानू। अरे कह तो तुम ठीक रहे हो नबील, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो लड़की तो खुद राजी है। यार वो तो बेवकूफ है मामू साहब, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ पुत्र, जितनी जल्दी हो ना इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। यार आप लोग इधर रिश्ता फारिग बैठे हुए, और भाई शादी मादी का तैयारी करो ना भाई। अरे खाली हाथ कैसे तैयारी करे, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। मैंने शेरवानी बनानी है, नबील ने सूट सिलवाना है, और हमने शरारे पहनने भजन आपकी शादी में। और बस इतना सा बात है? अरे ये लो पैसा पूरा 1,00,000 रुपया, दिल खोल कर शॉपिंग करो। अच्छा भाई, अब हम लोग जरा लॉन में पार्टी कर रहे हैं। ना लॉन में क्यों, हमारे घर लैट्रीन है ना अंदर। मां जी वो पार्टी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा आप गुलाब जरा पार्टी शर्टी हो जाए। वो मोमो, वो हमें पार्टी वार्टी से क्या लेना, चलो हमें शॉपिंग का पैसा मिल गया, चल के शॉपिंग करते हैं। वशे वशे। ओ जान जरा पीछे और जब मैं फायरिंग करूंगा। डोस 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 डोस। पीपीसी ने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीपी शीरी ने, बीपी शीरी ने जड़ गुले रबान देवा चवा सुरशाल जुड़ला सुना बीपी शीरी ने। चलो नबील शॉपिंग के लिए चलते हैं। और यार जाएं, मुझे नहीं जाना शॉपिंग के लिए। अरे तुम शेर खान की शादी पे नए कपड़े नहीं बनवाओगे क्या? मैं शेर खान की शादी होने ही नहीं दूंगा मामू साहब। अरे फजूल बातें मत करो नबील। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा मामू साहब, मैं इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे तुम इस मासूम लड़की की बर्बाद नहीं होने दोगे, वो जिंदगी है। हाँ जी। अच्छा जी, लो फिर हम चलते हैं। मामो खूबसूरत आ जाओ। गुलाबो, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। किसके लिए? शेर के लिए। अरे वो शेर तुम्हारा शिकार करने जा रहा है और तुम समझ नहीं रही हो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे सही कह रहा हूँ भाई, वो शख्स जिसका नाम शेर खान है, इससे पहले अपनी 5 बीवियों को मार चुका है। अरे वो तो खुद मारा था सब। और नहीं नहीं, इस घटिया शेर खान ने मारा था उन्हें। क्या? देखो ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हें एक से एक बढ़ के लड़का मिल सकता है, खूबसूरत नौजवान शादीशुदा एक बच्ची का बाप। ऐसा हमको कहाँ मिलेगा भाई? ओहो भाई मत बोलो मुझे, तुम शेर खान जैसे घटिया आदमी को छोड़ो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ना वो पति निकाल के दे रहा था। तुम्हारे को पति निकालने का जरूरत नहीं है, हम खुद भी निकाल सकते हैं। चलो इधर से दफा हो जाओ। आप
पति निकाल के नहीं देंगे, आप पति बनने की कोशिश करेंगे। चलो 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 अच्छा, ये बात सुन लो गुलाबो, तुम इस गठी आदमी से थोड़ा दूर रहो, ये बहुत अच्छी चूर है। ठीक है खान साहब। खान साहब, आपका आखिरी वाला बीवी कैसे मरा था? वो सांस बंद होने से मरा था। कैसे बंद हुआ था सांस? ये अब हम तुमको क्या करके बताएं? अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाय लेके लॉन में आओ, जब तक हम थोड़ा सोचते हैं। अब बताओ ना खान साहब, वो चाय तुमने बहुत टाइट बनाया है। अरे हम चाय का नहीं, तुम्हारा बीवी का बात कर। ओए हमारा बीवी का नाम मत ले। ओए हमने उसका नाम कब लिया? हमको तो उसका नाम भी नहीं पता है। ओए यार गुलाबो, हमारा बीवी ने हमको धोखा दिया था। किसी और से चक्कर मकर चलाया उसने। ओए नहीं, चक्कर तो हमारा दूसरी वाली ने चलाया था, तो हमने उसको फिर मार दिया। क्या? हमको बेवफाई बर्दाश्त नहीं है, और ये बात तुम भी जरा गौर से सुन लो। तो फिर वो आखिरी वाला का क्या हुआ? वो धोखा दिया उसने, अपना मियां के साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड? ओए कैसा फ्रॉड? सुबह को हम अपना काम के लिए निकला, तो उसने हमको बोला कि हम तुम्हारे लिए अफगानी पुलाव बनाएगा। फिर? और जब हम दोपहर को वापस आया तो सिंधी बिरयानी खा रहा था। ओए इतना सा बात पे तुमने उसको मार दिया? ये इतना सा बात है? ओए इतना सा बात है? ओए उसने शेर खान को धोखा दिया है। गुलाबो तुम? नबील भाई, अफड़े मौत तेरा आल इमरान, पैंटे सटाई भाई कहलवा दिया। तो शेर खान ने अपना बीवियों को खुद कत्ल किया, हमको उससे शादी नहीं बनाना। अब क्या फायदा, उसके अलावा जिसके साथ तुम कर सकती थी उसको भी तो तुमने टका के भाई बोल दिया। हमको किसी से नहीं बनाना, हमको अपना घर वापस जाना है। हमारा घर वाला हमको ढूंढ रहा होगा। ढूंढ रहा होगा मतलब? वो ये शेर खान हमको घर से भगा के लाया था शादी बनाने के लिए। हाँ नबील भाई। अरे तो अभी अपने घर वालों को फोन करो और बोलो कि पुलिस भेजे और शेर खान को गिरफ्तार करवाए। ठीक है नबील भाई। खुदा के वास्ता ये बार 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 भाई मत बोलो। अच्छा नबील भाई। खुदा का वास्ता, और चला यार तुम मुझे अभी से आठ दया करवाओगी, बड़े मौत तेरा ले रहा। अम्मी को फोन करो, चलो मिला मिला मिला, नंबर याद है? उठा उठा, मिला मिला मिला, शाबाश शाबाश शाबाश, पेशावर का कोड याद है? चलो चलो शाबाश शाबाश, चलो जा रहा है बल, बल जा रहा है, इसको रोको, क्यों जा रहा, चलो। हेलो अम्मी जान, हम गुलाब जान बात कर रहे हैं। हाँ अम्मी जान, की शेर खान हमको उठा के ले गया है कराची। हाँ अभी तुम कुछ करो ना अम्मी जान। हाँ वो बुलबुले वाले घर नबील भाई का। ठीक है, शेर खान को अगर पता चल गया वो हमको मार डालेगा। ऐसे ही मार डालेगा? मैं हूँ ना। वो खबीसा, वो हम तुमको चोरी कर नहीं। शेर खान देखो देखो, तुमने हमारा इस बीवी को भी लाइन मारा है, पर तुमको हम छोड़ेगा नहीं। ऐसा मत करो शेर खान। अरे तुम फिक्र मत करो गुलाबो, इसके बाद हम तुमको भी गोली मार देगा। शेर खान ऐसा मत करो यार, शेर खान प्लीज, शेर खान प्लीज। अरे नबील क्या 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 हुआ शेर खान? यार महमूदा, तेरा दोस्त के साथ एक दफा फिर रात हो गई है। अब क्या हो गया? ये नबील हमारा होने वाला बीवी के साथ इश्क लड़ा रहा था। क्या? हम इन दोनों को गोली मार देगा। मोमो, अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम आज ही शॉपिंग कर आए। ओकी दड़ खान, तुझे अगर हाथ लगाना है तो इस नाभी को लगा, मेरे पुत्र को हाथ लगाया ना तो देखना। तभी तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी की होने वाली बीवी पे डोरे डाल रहे हो तुम। वो तुम चुप क्यों खड़ी हो? इनकी गैर मौजूदगी में तो टका टका के मेरे भाई मार रही थी, अब क्या मुँह में छाले पड़ गए? हम क्या बोले नबील भाई? सुन लिया जानू, और ये घटिया आदमी जो है इस लड़की को भगा के लाया घर से। क्या? हाँ, और हमें ये बेवकूफ बना रहा था। शेर खान घटिया आदमी, चल चल निकल मेरे घर से, अभी निकल जा। यार दोस्ती गई बाढ़ में, पहले हम इस खबीस को गोली मार दे। क्या कर रहे हो? छोड़ यार, छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल नहीं छोड़ना, घटिया आदमी है ये, और इस बच्ची को अगवा करके ये लाया हमारे घर में, और ये ना हमें गवाह भी बना रहा था। हाँ शॉपिंग के लिए 1,00,000 रुपए भी दिए थे। क्यों भाई, अपनी पोती के बराबर की लड़कियों से जबरदस्ती शादी करता है?
वो भी अपने गैंग के साथ मिलके हैं। गैंग? इन सब को गिरफ्तार कर लो, ले चलो थाने में। हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ओ भाई, हमने तो पकड़वाया है इसे। तुम सब इस आदमी के सहूलतकार हो, जेल तो सभी जाओगे बच्चू। गिरफ्तार कर लो इन सबको। माँ जी, नवीन भाई, चुप है। मोमो, तुम कांप क्यों रही हो? वो बाहर ना कांप है। कांप? सांप महमूद साहब, सांप। नबील, अगर सांप ने मुझे काटा ना तो फौरन अस्पताल ले जाना। सांप को? अरे नहीं यार, मुझे। सांप की लाश को बहुत दूर दफना के आए हैं, ठिकाने लगा के आए हैं। दूर जाने की क्या जरूरत थी नबील, कहीं भी फेंका थे। अरे खूबसूरत, कैसी बातें कर रही हो? हमने सोचा कि कहीं वो इच्छाधारी नाग ना हो। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। किसने किया है आपके साथ ये जुल्म? मुझे उस आदमी का नाम बताएं, मैं जान से मार दूंगा उसे। मैं इच्छाधारी नागन हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हूँ। इच्छाधारी नागन? हाँ, जिसके शोहर को तुम दोनों ने आज सुबह मारा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं अब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं अब। चल यार चल, उस पार चल।